भिवंडी में तलवार दिखाकर दहशत फैला रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल रात 9 बजे के करीब सागर प्लाजा होटल के पास कचेरी पाड़ा निवासी वसीम जमाल अहमद उर्फ वसीम वायरमैन दुकानदारों को तलवार दिखाकर दहशत फैला रहा था, जिसके बाद वहां सभी ने अपनी दुकानें बंद कर दी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए वसीम वायरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। भिवंडी में कल रात एक बार फिर बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जिसकी फुटेज भी कैप्चर हो गई है। सागर प्लाजा होटल के पास से एक व्यक्ति यूनिकॉर्न बाइक चोरी कर ले गया, लेकिन बाइक स्टार्ट ना होने के कारण चोर ने 500 मीटर की दूरी पर बाइक छोड़ दी और भाग गया। फिलहाल मामले में चोर की डिटेल सामने नहीं आई है। फुटपाथ पर सो रहे चार मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। मामला कल्याण का है, जहां 30 से 60 साल के दरमियानी उम्र के मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी रात 2:30 बजे के करीब एक तेज रफ्तार कार चार मजदूरों पर चढ़ गई। बाकी सोए हुए मजदूर इस हादसे के बाद जाग गए और जख्मियों को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इस मामले की जांच जारी है और ड्राइवर को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, लेकिन अब तक ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया। भिवंडी के अंजू दीवे गांव में स्थित एक गोदाम में कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की। खबर के मुताबिक कंपनी के ट्रक ड्राइवर ने एक रिक्शा को निकलने के लिए साइड नहीं दिया था, जिस पर रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा से उतरकर ट्रक ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और फिर अपने साथियों को बुलाकर कंपनी के गोदाम और ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने लगा। नारपोली पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तेजी से नशे की ओर जा रही युवा पीढ़ी समाज में चिंता का विषय बन गई है। ये वीडियो आम पाड़े का है, जहां स्कूल नंबर 84 में पढ़ने वाले बच्चे पान शॉप से नशे का पदार्थ खरीदते नजर आए। इनसे पूछने पर इन्होंने खुद को शांतिनगर निवासी बताया है। ये मसला काफी गंभीर है, कॉरपोरेशन को ऐसे पान शॉप्स पर लीगल एक्शन लेना चाहिए और हमारी भी अपील है कि कम से कम बच्चों को नशे का पदार्थ ना बेचा जाए। भिवंडी में 2 सितंबर 2022 को समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जाएगा जॉब फेयर। इस जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं समाजवादी पार्टी भिवंडी सिटी सेक्रेटरी आसिफ अंसारी, साथ ही समाजवादी भिवंडी सिटी प्रेसिडेंट प्रयास आजमी भी होंगे शामिल। इस जॉब फेयर में बैंकिंग, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रिशियन, टेलीकॉम, मार्केटिंग, डेटा एंट्री, लॉजिस्टिक्स, केपीओ, बीपीओ और रिटेल जैसी जॉब्स अवेलेबल होंगी, जिसके लिए कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं क्लास होनी जरूरी है और 18 से 35 साल के दरमियान कोई भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। भिवंडी के सागर प्लाजा होटल के पास भगवान कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1 में जॉब फेयर किया जाएगा। भिवंडी के दीवान शाह तालाब में आज एक कार डूब गई। यहाँ पर तालाब के पास बहुत सी गाड़ियाँ पार्क हैं और ढलान होने की वजह से एक कार खुद ब खुद धीरे धीरे तालाब में जा गिरी, जिसके बाद कार को निकालने के लिए टीम बुलाई गई। अब ट्रेन के एसी कोच में दोबारा शुरू की जाएगी बेड रोल सुविधा। कोरोना महामारी की वजह से सभी ट्रेनों में बेड रोल सुविधा खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों को अपने घर से चादर वगैरह या फिर डिस्पोजेबल बेड रोल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब दोबारा बेड रोल सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे ट्रेन यात्रियों को लंबे सफर में मिलेगी राहत। मुंबई में एक बाप ने अपने 5 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। खबर के मुताबिक पत्नी के साथ अक्सर होने वाले घरेलू विवाद से परेशान होकर आरोपी ने अपने 3 बच्चों को आइसक्रीम में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर खिला दिया, जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी फरार है। मुंबई के मुंबा देवी में एमएनएस वर्कर की गुंडागर्दी का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक मनसे कार्यकर्ता महिला को मार रहा है, जिसकी वजह ये है कि महिला की दुकान के सामने मनसे का होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर महिला ने ऑब्जेक्शन लिया था और इस वजह से एमएनएस वर्कर ने महिला पर बार बार हाथ उठाया, यहाँ तक कि महिला जमीन पर गिर गई और रोने लगी। ये घटना 28 अगस्त की थी और इसकी कम्प्लेन 31 अगस्त को करवाई गई। सारी घटना वहाँ मौजूद शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर ली। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।